Hello friends, welcome to my channel Twist and Tadka. This is Priya, your friend and your chef. अभी राखी का त्यौहार आने वाला है. राखी के त्यौहार पे तो हर कोई तरह तरह की मिठाइयाँ घर पे बनाता है और यह बाहर से लेके आते हैं. बट आई एम श्योर इस बार कोई भी बाहर से मिठाई नहीं लाना चाहेगा. तो आज हम राखी के लिए स्पेशल आप सबके लिए लेके आए हैं सूजी के लड्डू. ये लड्डू बनाने में बहुत ही टेस्टी हैं. जब भी राखी होती थी मेरा भाई तो हमेशा इन्हीं लड्डुओं के लिए पूछता था. वो तो यही बोलता था, दीदी राखी आ रही है तो हमें आपके हाथ के ही लड्डू खाने हैं. तो आज वही स्पेशल लड्डू उतने ही प्यार से मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ. तो चलिए अभी हम देखेंगे उसके इंग्रेडिएंट्स. तो सूजी के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप सूजी. ये मैंने फाइन सूजी ली है. आप चाहें तो मोटी सूजी लेके उसको मिक्सी में पीस सकते हैं. 1 कप चीनी, 1/4 कप देसी घी, 1/4 कप मलाई, 1 चम्मच इलायची पाउडर, 15 से 20 नट्स जिसमें मैंने काजू और बादाम लिए हैं, दूध एज पर रिक्वायरमेंट, 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट. सूजी के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे. इसमें हम 1 चम्मच के करीब देसी घी डालेंगे और इसको गर्म होने के लिए रख देते हैं. इन नट्स को हम तेल में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे. इसका एक ही रीज़न है ऐसा करने का कि जैसे ही ये जब हमारे लड्डू में जाएंगे तो ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही क्रिस्प लगेंगे. देखिए अभी ये फ्राई हो गए हैं. अभी मैं इनको एक कटोरी में निकाल लेती हूँ. ये हो गए. इनको हम ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देंगे ताकि हम इनको बाद में चॉप कर सकें. अब हम फ्लेम को कर लेंगे एकदम लो, क्योंकि जो सूजी हमने भूननी है वो लो फ्लेम पे भूननी है. अभी हम बाकी का देसी घी भी इसमें डाल देंगे. और साथ में ही डाल देंगे सूजी. सूजी को हम बहुत ही लो फ्लेम पे धीरे धीरे भूनेंगे जब तक सूजी में अच्छी सी खुशबू नहीं आने लग जाती. सूजी के लड्डू बनाने में बहुत ही इजी है और इसके लिए हमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए. सब कुछ घर के बने हुए इंग्रेडिएंट से ही हो जाता है. और आजकल तो बाहर से मिठाई लाने की बजाय घर पे ही बनाए तो ही बेटर है. तो हम धीरे धीरे लो फ्लेम पे इस सूजी को अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं. सूजी को भूनने के लिए कम से कम 7 से 8 मिनट लगेंगे. और आप एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप सूजी को भून रहे हैं आप इसको चलाते रहिए ताकि सूजी हर तरह से अच्छे से रोस्ट हो जाए. अगर हम इसको नहीं चलाएंगे तो नीचे की सूजी बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएगी और ऊपर से एकदम कच्ची रहेगी. हम वो नहीं चाहते. हम चाहते हैं कि ये सूजी अच्छे से रोस्ट हो, तो इसलिए हमें इसको चलाते ही रहना पड़ेगा. तो इस तरह से आप इसको चलाते रहिए. अब करीब 7 मिनट हो चुके हैं. अब 7 मिनट के बाद मेरे को यहाँ पे सूजी की बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग गई है और सूजी अच्छे से पक भी गई है. अब हम इसमें डाल देंगे ये नारियल और इस नारियल को भी 2 मिनट तक पका लेंगे. अब नारियल भी इसमें अच्छे से पक गया है 2 मिनट के बाद. अब हम इसमें डाल देंगे ये फ्रेश मलाई. आपके पास मलाई नहीं है तो आप दूध भी डाल सकते हैं, पर मलाई ही इवेंचुअली फैट बन जाएगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा. अभी हम इसको भी स्लो फ्लेम पे ही अच्छे से हिला लेंगे. सब कुछ मिक्स हो जाएगा.
अब मलाई अच्छे से मिक्स हो गई है सूजी में। जैसे ही ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी, हम इसमें डाल देंगे चीनी। अगर आपने बिना पीसी हुई चीनी भी ली है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि चीनी इसमें जाके अपने आप मेल्ट हो जाएगी। और साथ में इलायची पाउडर, और इनको सिर्फ 2 मिनट तक ही अच्छे से हिलाएंगे, ताकि जो ये चीनी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब चीनी जो है अच्छे से मिक्स हो गई है। चीनी के मिक्स होने के बाद भी आप देखेंगे कि ये जो मिक्सचर है अभी भी काफ़ी ड्राई है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मिक्सचर बहुत ड्राई है, अभी इसके लड्डू नहीं बन पाएंगे, अभी हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे थोड़ा सा इसमें दूध डाल देंगे। अब बहुत ज़्यादा दूध मत डालिए, थोड़ा थोड़ा डाल के देखिए। आपको फिर अंदाजे से हिसाब से आप डाल सकते हैं जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर मलाई में बहुत ज़्यादा दूध है ऑलरेडी तो आपको ज़्यादा दूध नहीं लगेगा। अभी ये भी हो सकता है कि आपको दूध डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। अभी ये एकदम बराबर हो गया है, अभी ये एकदम गीला गीला है, तो हम इसको अच्छे से इसके लड्डू बना पाएंगे। अब हम इस पॉइंट पे आके गैस को कर देंगे बंद। इस मिक्सचर को 2 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे इसके अंदर, क्योंकि हमारी कढ़ाई ऑलरेडी गर्म है, और जो अगर चीनी नहीं पिघली हुई वो भी पिघल जाएगी। जब तक ये मिक्सचर ठंडा होगा, तब जो बादाम हमने घी में फ्राई किए थे हम उनको चॉप कर लेते हैं। अब करीब 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम ये जो सूजी का मिक्सचर है ये एक थाली में निकाल लेंगे, ताकि वो अच्छे से ठंडा हो जाए। और इस मिक्सचर में जो हमने ये नट्स डाल किए थे फ्राई, वो डाल देंगे और इनको अच्छे से मिला देंगे। आप चाहें तो चीनी इसमें अपने हिसाब से थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर मैंने बिल्कुल वैसे ही बनाया है जैसे हलवाई बनाते हैं। ये नट्स भी इसमें मिक्स हो गए हैं। अब हम इनको 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जो लड्डू बनाएंगे हम, वो हमें गर्म के ही बनाने हैं, बिकॉज ठंडा होने के बाद इसके लड्डू नहीं बनेंगे। तो हम इसको ऐसे ही रख देते हैं, ताकि ये जल्दी से जल्दी ठंडा हो जाए। अब 5 मिनट हो गए हैं, ये मिक्सचर भी ठंडा हो गया है। अब हम इनके लड्डू बनाना शुरू करते हैं। अगर इस पॉइंट पे आके अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लड्डू नहीं बन पा रहे, तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। पर ये अभी इस टाइम सूजी के लड्डू बहुत ही अच्छे बन रहे हैं, एकदम परफेक्ट शेप आ रही है। तो हम इनको इसी तरह से बाकी मिक्सचर के भी लड्डू बना लेते हैं। अगर आप एक साइज़ के लड्डू बनाना चाहते हैं, तो आप एक चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना भी मावा एक चम्मच में आता है, आप उतने के ही लड्डू बनाइए, फिर सारे लड्डू एक ही साइज़ के बनेंगे। तो इस तरह से मैं बाकी के भी लड्डू तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, राखी के लिए सूजी के लड्डू एकदम रेडी हैं। आप इन लड्डुओं को ट्राई कीजिए और अपनी फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।